balcony. We are not able to go outside of our homes. So stay home. And our Hermitage Public School has taken this initiative to start online education system. So this is the first day. I am going to teach you number system. First, you will have to know what is number system. This is the syllabi of class 9. Number system, you can understand as it is just like a universe. Number system ko aap samajh sakte hain ki ye universe hai. जिस प्रकार यूनिवर्स में सूर्य रहता है, चंद्रमा रहता है, तारे रहते हैं और भी बहुत अनगिनत चीजें हैं, हम नंबर सिस्टम कहते हैं। हम लोग नंबर्स के विषय में क्या जानते हैं? हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्लास फर्स्ट से हम लोगों ने सीखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 100,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, करोड़ की चीज। बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त भी हमने सीखा है डेसिमल नंबर्स, 1.1, 1.2, 2.36, 4.5, दीज आर द डेसिमल नंबर्स। वी हैव ऑल्सो लर्न द इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। सो द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज नोन एज ए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत इन सारे नंबर्स को रखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी हैव ऑल्सो लर्न इन क्लास 8 सर्च, जस्ट लाइक √2, √3, √5, √7, इट इज ऑल्सो इन नंबर सिस्टम। सो इन नंबर सिस्टम वी कैन जस्ट टेल दैट नंबर सिस्टम इज अ फादर एंड ही हैज टू सन्स। नंबर सिस्टम एक पिता है और उसके दो पुत्र हैं। सेकेंड इज रैशनल नंबर एंड अदर इज इरैशनल नंबर। मैंने फिर एक बार आपको दोहरा दूं, मैंने कहा नंबर सिस्टम, जिन नंबरों को हम जानते हैं अपने दैनिक लाइफ में, वो सारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। किस किस नंबरों को जानते हैं? जो हम काउंटिंग जानते हैं जीरो से लेकर नंबर्स, जो हम डेसिमल नंबर से जानते हैं, जो हम फ्रैक्शन नंबर जानते हैं 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, ये सारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। हम क्लास 8 में पाई को भी देखा है, पाई का वैल्यूज हमारे गणितज्ञों ने 22/7 दिया है, पाई को भी हम नंबर सिस्टम में। हमने √2, √3, √5 सर्च के सम्स भी बनाए हैं, उसको भी हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। इट मीन्स व्हाट एवर वी नो अबाउट द नंबर्स, इट इज अंडर नंबर सिस्टम। नाउ द नंबर सिस्टम, इफ वी कंसीडर नंबर सिस्टम इज अ फादर, ही हैज टू सन्स, ही हैज टू सन्स, वन इज रैशनल नंबर एंड अदर इज इरैशनल नंबर। वी मस्ट हैव टू नो व्हाट इज रैशनल नंबर। देयर इज अ ग्रेट कंफ्यूजन to the students that what is rational number. They most of the time they commit mistakes to recognize the rational numbers. So today I shall try to give you some knowledge about recognizing of rational numbers and about recognizing of irrational numbers. In books it has been indicated that the numbers which can be written in the form of PYQ is known as rational numbers. But I would like to make you understand in some other way. The numbers which can be written in numerator and denominator, ऐसे numbers जिसको हम numerator और denominators में लिख सकते हैं और उसका एक exact meaning हो, उसका एक exact meaning हो, वही rational number होता है। Suppose we are writing 1/3, it means there is something we can divide it in 3 parts. Suppose some articles, suppose कुछ फ्रूट्स हैं, उसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में से अगर हम एक भाग को ले लेते हैं, इफ वी टेकन आउट वन पार्ट अमाउंग द 3 पार्ट्स, देन वी कैन से इट इज 1/3। सो इट इज ए एग्जैक्ट नंबर। 1/3 मीन्स वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल्स। सो इफ देर इज ए एग्जैक्ट वैल्यू, देन वी कैन से इट इज ए रैशनल नंबर। नो डाउट इफ वी आर एबल टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ PYQ, if we are able to write it in the form of numerator and denominator, then it will be known as a rational number. If we are not being able to write in the form of numerator and denominator, then direct numbers are not regarded as a rational numbers. Before giving the definition, one thing I have told you that there should be exact counting, exact quantity, because there are some numbers
वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कुछ नंबर्स हैं जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, पर उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम उसे रैशनल नंबर के अंतर्गत नहीं लाएंगे। तो रैशनल नंबर होता कैसे? जितने भी फ्रैक्शन आप जानते हो, 1/2, 2/3, 4/6, 6/9, 9/10, 10/9, ये सारे हम इसको रैशनल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या 2 रैशनल नंबर है? आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या 2 को हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं? आंसर होगा यस। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/1। 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3/1। सो 2 एंड 3, नॉट ओनली 2 एंड 3, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स। एवरी नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट 0, वेदर 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। क्या हम 0 को रैशनल नंबर कह सकते हैं? यस, 0 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे कहा देयर शुड बी एग्जैक्ट मीनिंग। जैसे 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, इसलिए 2/1 इज अ रैशनल नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज 0/1, 0/1 का मतलब क्या होता है? अगर कोई मतलब होगा तभी रैशनल नंबर होगा, अगर कोई मतलब नहीं होगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा, भले इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दिए। तो 0/1 का भी मतलब 0 होता है, सो देयर हैज बीन एन एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ 0/1। सो 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 1, और इसका मतलब 0 होता है, इसलिए यह रैशनल नंबर है। कुछ नंबर्स ऐसे भी है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं लेकिन उसको हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड क्वांटिटी हमें नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं लिख दू 1/0, 1/0 में भी आप न्यूमिनेटर 1 है और 0 डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में है, p/q के फॉर्म में है, इंस्पाइट ऑफ दिस इसे हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। 1/0 का मतलब इट इज नॉट डिफाइंड, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको हम बता नहीं सकते कि इसका वैल्यू कितना है। इसका वैल्यू हम इनफाइनाइट में जाते हैं, अनंत में जाते हैं, क्योंकि देयर इज नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1/0। इन स्पाइट ऑफ दिस इट हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट इज नॉट रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के विषय में आपको जानना पड़ेगा वो सारे नंबर्स जिसको हम p/q न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग, कोई कैलकुलेशन क्वांटिटी निकलना चाहिए। जिस प्रकार 0/1 का मतलब 0 होता है, इसलिए रैशनल नंबर है, पर 1/0 को हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1/0 का मतलब नाइदर इट इज 1 नाइदर इट इज 0। 1/0 का मतलब न तो 1 है न तो 0 है, इसका मतलब इनफाइनाइट, अनंत है। तो अनंत जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए 1/0 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे? नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, नो डाउट इट इज अ रैशनल नंबर, बट वन थिंग मोर, इफ देयर इज ए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन, देन इट विल बी रिगार्डेड एज ए रैशनल नंबर। सो वन थिंग मोर, वो सारे नेचुरल नंबर्स जिसको हम लोग जानते हैं 0 से स्टार्ट होकर जहां तक नंबर्स हम जानते हैं, सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। एक आता है पाई। पाई क्या रैशनल नंबर्स है? पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है। अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहूं कि 22/7 क्या है, तो 22/7 इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। लेकिन इसी को मैं आपको घुमा के पूछूं व्हाट इज पाई, तब मैं पाई को रैशनल नंबर नहीं कह सकता। पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर बिकॉज पाई का वैल्यू 22/7 हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने काम चलाने के लिए दे दिया है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकल नहीं पाया है, काम चलाने के लिए उन्होंने 22/7 दे दिया है। इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रैशनल नंबर।
But if you only say 22 by 7, then it is a rational number. But pi is not a rational number because the calculation, exact calculation of pi has not been discovered. So you must know 0 is a rational number because 0 can be written in the form of numerator and denominator, and there is an exact value of 0 means 0 by 1 means 0. But the pi, we can write pi by 1, but pi is not the exact, there is no exact value of pi, only it has been considered like 22 by 7 when we do the sum, we take the help of pi 22 by 7, it is only just taken the, we use it just like a helping hand, pi is a helping hand, we just put the value of 22 by 7, but it is not the exact value of pi, so pi is not regarded as a rational number. One thing again, decimal numbers. There are some decimal numbers, most of the decimal numbers are rational numbers. But one thing again, if there is an exact value of the decimal numbers, then it will be a rational number. If there will be not an exact value of the decimal number, then it will not be a rational number. Suppose 1.2 means 12 by 10, we can write, you have already learned in class 6, 7, 8. 1.2 means 12 by 10. 12 is a numerator, 10 is denominator. So 12 by 10 is a rational number, so 1.2 is a rational number. Suppose 1.34 is also can be written in the form of fraction 134 by 100. Since numerator and denominator is clear, there is exact value, so 1.34 is also a rational number. But in decimal numbers it is same. There are two types of decimal numbers. Some decimal numbers are which is repeated, and some decimal numbers are which are not repeated. Tomorrow we shall discuss about this. Decimal numbers, that is recurring decimal numbers, that is non-recurring decimal numbers. Tomorrow we shall discuss it. Today, just you know, it is a first class, just you know, try to understand what I told you, number system. Whatever the numbers we are aware of is known as a, is comes under the number system. Number system has been divided into parts. Number one is rational number and other part is irrational number. The numbers which can be written in the form of PYQ, in the form of numerator and denominator, and there is exact value of that numerator and denominator, then it is known as the rational number. If we are not able to write in the form of numerator and denominator, the number will not be regarded as a rational number. Those will be the irrational numbers. I have told you only 1 by 0 and pi. 1 by 0 means there is no exact value, so it is irrational number. Pi, there is no exact value, so it is a irrational number. And rest of the numbers, whatever we know about the natural numbers, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, all are rational numbers. Tomorrow we shall discuss about the decimal numbers. I shall tell you what type of the decimal numbers are comes under the rational numbers and what are the decimal numbers are which comes under the irrational numbers. Okay? Thank you very much.